न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मंगलवार को 113.6 mm बारिश किया गया रिकॉर्ड। नदियों के जलस्तर में भी दर्ज की गई वृद्धि। आने वाले कुछ दिनों में है भारी बारिश की संभावना। डॉक्टरों को झांसा देकर करोड़ों हड़पने के आरोपी डॉक्टर अरविंद तिवारी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 साल से कैंट पुलिस को चकमा देकर था फरार। कांवड़ियों की सुविधा के लिए 15 जुलाई से पूर्वोत्तर रेलवे रोज चलाएगा कांवड़ यात्रा विशेष ट्रेन। CPRO ने कहा 17 कोचों में सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे कांवड़िये। लगातार 1 माह तक चलेगी विशेष ट्रेन। जिला मुख्यालय पर सोमवार के दिन SDM को कोर्ट में उपस्थित रहकर न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए CM योगी से मिले अधिवक्ता। DM ने आदेश जारी कर पूर्ववत व्यवस्था किया लागू, पर नहीं होगी कोई नए बात योजित। बालिका सुरक्षा अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चियों को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। कहा पुलिस है आपके साथ, ना हो निराश। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने रात्रि गश्त पर निकले SSP। लोगों से की हेलमेट पहनने की अपील। कहा डरे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। महानगर के एक होटल में कांग्रेस पार्टी की आहूत की गई बैठक। प्रदेश सचिव सचिन नायक ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र। SPCT विनय कुमार सिंह को गोरखपुर से एटा तबादला होने पर दी गई विदाई। निवर्तमान SPCT के कार्यों की गई प्रशंसा। और विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद के सदस्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दिया धरना। कहा आजादी के बाद आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या।